हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप काम ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, या फिर आप बेरोजगार हैं, या छात्र हैं, या आपको काम की तलाश है, या फिर आपके यार दोस्तों को काम की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल सही आए हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से प्राइवेट जॉब्स की जानकारी दी जाती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि अगर आपके आसपास कोई जॉब्स निकल कर आती है, तो सबसे पहले उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। साथ ही अपने यार दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि उनको भी अगर काम की आवश्यकता है, तो उनको भी काम मिल सके। जी दोस्तों, आज हमारे पास जो वैकेंसी निकल कर आ रही है, वो सिम्या एचआर की तरफ से निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ये एक एजेंसी है दोस्तों, जो कि कंपनियों को लेबर सप्लाई करती है, वर्कर सप्लाई करती है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आज वैकेंसी निकल कर आ रही है दोस्तों, यहाँ पर आपको 17,000 रुपये से लेकर 22,200 रुपये हर महीने मिल सकते हैं दोस्तों। काम क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा, क्या काम रहेगा दोस्तों, इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी हो सके। जी हाँ दोस्तों, पूरी जानकारी लेने के बाद ही कॉल करें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फर्नीचर टेक्नीशियन एंड की ज़रूरत है दोस्तों, यानी कि फर्नीचर्स वगैरह की डेमो वगैरह आपको दिखाने होंगे। कैसे दिखाने होंगे, वो वीडियो में आपको अभी बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो पोस्ट निकल कर आ रही है दोस्तों, 12 जुलाई को ये पोस्ट हमारे पास आई थी दोस्तों, लेकिन इसके लिए अभी तक कुछ कारणों से भर्ती नहीं ली गई थी। तो दोस्तों, इसमें अब भर्ती फिर से शुरू हो चुकी है। अगर आप यहां पर आवेदन करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं दोस्तों। यहां पर आपको आवेदन करने की लास्ट तारीख जो है दोस्तों, 11 अगस्त है, यानी कि आपको 11 अगस्त तक यहां पर अप्लाई कर देना है दोस्तों। लोकेशन की बात करें तो ये गुड़गावा है, यानी कि गुरुग्राम में। अगर आप जॉब करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, आप अप्लाई कर दें दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों, फर्नीचर टेक्नीशियन एंड इंस्टॉलेशन के लिए वैकेंसी निकल कर आई है दोस्तों। दोस्तों अर्जेंट हायरिंग, यानी कि इनको अर्जेंट ज़रूरत है फर्नीचर टेक्नीशियन एंड इंस्टॉलेशन कैंडिडेट्स की। फील्ड में जाकर आपको कस्टमर के घर जाकर मॉड्यूलर फर्नीचर इंस्टॉल करना होगा, यानी कि आपको उनको बताना होगा कहाँ पर सोफ़ा सेट होगा, कहाँ पर आपका बेड्स होगा, कहाँ पर आपका अलमारी होगा, कहाँ पर चेयर होगा, कहाँ पर टेबल होगा। ये सब आपको ट्रेनिंग में वीडियो के जरिए आपको समझाया जाएगा। मकान की लोकेशन के हिसाब से आपको पहले ही इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके लिए आपको कस्टमर को वीडियो में दिखा के या किसी भी तरीके से आप अपनी तरफ से सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि उसको उससे ऑर्डर लेना ही आपका काम होगा। यहाँ पर बेड, सोफ़ा, अलमारी इत्यादि वगैरह के बारे में आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना होगा दोस्तों। दोस्तों योग्यता की बात करें तो इस क्षेत्र में काम करने के लिए अगर आपके पास 1 साल का अनुभव है, तो आपको 22,200 रुपये मिलेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं है, तो आपको 17,000 रुपये प्रति महीना तक यहां पर सैलरी मिल जाएगी। तो एजुकेशन की बात करें, यानी कि शिक्षा की बात करें, तो आपको कम से कम कक्षा 8 पास होना चाहिए। अगर आप 5वीं पास हैं, तो भी आपकी योग्यता के अनुसार सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों। अगर आप यहां पर काम करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको 15 जुलाई से वैकेंसी शुरू हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से यहां पर वैकेंसी नहीं ली गई थी, लेकिन अब 11 अगस्त तक यहां पर नौकरी के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। यहां पर जो वर्कर्स की ज़रूरत है दोस्तों, वो 50 वर्कर्स की ज़रूरत है दोस्तों इसमें। यानी कि आपको अगर ऑर्डर मिल जाता है कुछ लोगों को, यानी कुछ लोगों को इंस्टॉलेशन के लिए रखना होगा, कुछ लोग लोडिंग अनलोडिंग के लिए होंगे, कुछ लोग जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, वो कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देंगे दोस्तों। इंटरव्यू की तारीख की बात करें, तो ये दोस्तों 11 अगस्त तक आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू की जगह की बात करें, तो ये गुड़गावा में रहेगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जब आपका सिलेक्शन होगा, तो आपको अपना आईडी और बाकी ज़रूरी दस्तावेज लाने होंगे, जो कि आपको कॉल करके बता दिए जाएंगे दोस्तों। हमारे चैनल के माध्यम से किसी भी प्रकार के जॉब लेने या देने के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है। अगर कोई आपसे जॉब देने के लिए या लेने के लिए किसी भी प्रकार का पैसा मांगता है, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहें और किसी को भी पैसा ना दें, बिल्कुल सतर्क रहें। धन्यवाद दोस्तों।